तो यहाँ पे गाइज ये बचा हुआ है हमारा लास्ट प्लेजर, ये मर गया और ये हमारी हो चुकी है विक्ट्री गाइज। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और मैं निकल आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई माइनक्राफ्ट की वीडियो के साथ। तो गाइज आपने सब्सक्राइब वाला बटन दबाया नहीं? नहीं तो जल्दी से जाइए यार, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि अब बहुत ही जल्दी बहुत ही मस्त वीडियो आने क्या बोला तूने वाली है गाइज। क्योंकि अभी यार थोड़ा तबीयत की डाउन की वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो कम टाइम में डाल रहा हूँ। कोई बात नहीं गाइज, जितना ट्राई हो सके मैं उतना ज़्यादा जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ गाइज। और आपको वीडियो पसंद आई तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और गाइज मेरे को आप कमेंट करते जाओ मेरे को, मतलब सर्वाइवल सीरीज़ के अंदर मेरे को आगे क्या करना है, मतलब क्या करूँ क्या कुछ नहीं करूँ, आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो गाइज। ऐसा कुछ नहीं, आप मेरे को कमेंट ही नहीं करते हो, तो बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते, आप कमेंट करा करो गाइज। आप मेरी वीडियो को देखते हो, आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो, उससे क्या है कि हमको वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मजा आता है। आप देख सकते हो कि गाइज मैंने अपने गांव के अंदर बहुत सारा मतलब अपडेट किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये फार्म एनुअल वाला फार्म के उधर भी बहुत सारा प्रोग्रेस किया है, यहाँ पे बहुत ही अपडेट किया है, बहुत ही मस्त दिखने में लग रहा है गाइज। और यहाँ पे ये वाला फार्म को मैंने जो अपना ये जो फार्म था, मैंने आपको बोला था कि मेरे पास जब टाइम मिलेगा तो मैं इसको ऑटोमेटिक बना दूंगा, तो मैंने इसको ऑटोमेटिक फार्म बना दिया। इसमें मतलब यहाँ पे इसको ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम है, तो इसको अभी हम हार्वेस्ट नहीं करने वाले, बहुत ही ज़्यादा वो सब ये उग जाएगा, उसके बाद हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बहुत सारी वोई रखी हुई है, ताकि मेरे को यहाँ बार बार अपने घर पर लेने जाना ना पड़े। तो आप देख सकते हो ये वाला फार्म यहाँ पर बहुत ही मस्त यहाँ पर वर्किंग करता है, यहाँ पर मेरे को फूड मिल जाता है थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे हमारे एनिमल के लिए और मेरे लिए थोड़ा थोड़ा फूड यहाँ पे मिल जाता है। तो ठीक है गाइज, तो ये वाला था हमारा ऑटोमेटिक फार्म हो गया था, यहाँ पे हमारा एनिमल फार्म हो गया है, वो मतलब हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करने में लगे हुए गाइज। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमारे पूरे पूरे बहुत सारे जानवर यहाँ पे है, और मैं यहाँ पे मुर्गियों को और इनको ज़्यादा ब्रीड नहीं करवाता हूँ गाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ, यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे अलग अलग विलेजर की जगह पे यहाँ पे अलग अलग पिलर लगा के ये मस्त बना दिया है, ताकि इसके अंदर जाके जो भी काम जो भी विलेजर के पास है वो वहाँ पे खड़ा रह के वहाँ पे आराम से अपना काम कर सके गाइज। नहीं तो क्या है, कचरा हो जाता है, सब आपस में भिड़ जा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इसको भी अपग्रेड कर दिया गया। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे मेरा पूरा मतलब ट्रेडिंग का पूरा सामान ख़त्म हो गया गाइज, क्योंकि यहाँ पे हमारे विलेजर को मैंने बीच में एक दो बार मार दिया था, तो इनकी ट्रेड बहुत महंगी है। देख सकते हो गाइज यहाँ पे 40 एमराल्ड के अंदर बुक दे रहा है हमको फोर मतलब प्रोटेक्शन 3 की, तो यार ये बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा है, यहाँ पे मेरे को बहुत ही महंगा पड़ रहा है गाइज। तो मैंने सोचा हुआ है कि हम करवाने वाले अपने गांव के अंदर रेड, अपने पिछली वाली वीडियो के अंदर देखा था कि मैंने अपने गांव को पूरा प्रोटेक्ट किया था, ये वाली होल हमने लगाई थी। तो गाइज चलिए गाइज आज हमको जाना है हमको पिलेजर आउटपोस्ट, पर उससे पहले चलिए गाइज यहाँ पर मैं आपको अपने आयरन फार्म को दिखा देता हूँ गाइज। आपने ये वाली आयरन फार्म की वीडियो देख ली है तो आपको ये मतलब इसका टोटल वीडियो चाहिए, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसकी वीडियो भी देख सकते हो गाइस। या आप देख सकते हो मैंने एफके कर करके बहुत सारा आयरन अपने लिए इकट्ठा कर लिया गाइस। तो चलिए गाइस यहाँ पे हम अपना यह फार्म को यहाँ पे मैं इसको यह दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, ताकि अंदर की तरफ कोई ज़ॉम्बी या स्केलेटन चला ना जाए। तो चलिए गाइस हम चलते हैं अपने जो मैंने यहाँ से मैं ऑफलाइन के अंदर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर एक गाँव मैंने देखा है, तो वहाँ पे अब गांव के पास ही एक पिलेजर आउटपोस्ट है, तो हमको वहाँ जाना है, उसके कैप्टन को ढूंढना है और उसके कैप्टन को मारना है, उसके बाद हमको बेड वेन का इफेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद वहाँ प्रॉब्लम क्या है गाइस कि वहाँ पे एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, वहाँ पे क्या है गाइस कि वहाँ पे विलेज और पिलेजर आउटपोस्ट दोनों साथ में है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो चलिए फटाफट से हम चलते हैं वो वाले विलेज पे, मैं फटाफट से वो वाले विलेज पे पहुँचने की कोशिश करता हूँ। और आप देख सकते हो कि यहाँ बीच में भी एक डेजर्ट जैसा एक आइलैंड भी आता है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा डेजर्ट भी नहीं है, पर थोड़ा सा छोटा सा एक डेजर्ट भी आता है कि यहाँ पर हम सैंड की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर आ सकते हो। देख सकते हो गाइज हम पिलेजर आउटपोस्ट पर पहुँच चुके और यहाँ पे भी बहुत सारी सैंड है हमारे पास, तो हमको जब भी सैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तब हम यहाँ पे आया करेंगे। तो ये देख सकते हो गाइज यहाँ पे हमको पिलेजर आउटपोस्ट मिल चुका है गाइज, और मैं अपनी मतलब जो हमारा गांव है वो मतलब दोनों मतलब विलेज और ये आउटपोस्ट दोनों एकदम पास में है गाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे टर्टल भी यहाँ पे
घूम रहे अपने पास, तो यहाँ पे मैं मारने की यहाँ से दूर से ही कोशिश करूँगा ताकि यहाँ पे उसका कैप्टन एक्स स्पॉन हो जाए और हमारे पास आ जाए। और आप देख सकते हो राइट साइड में यहाँ पे मतलब पूरा पास में एकदम जॉइंट में दो गांव है। और देखो गाइज ये वाला बहुत ही छोटा सा टर्टल का बच्चा बहुत ही मस्त दिखने में लग रहा है गाइज। यार इतना छोटा सा टर्टल, यार मैंने कभी इतना छोटा सा टर्टल अभी तक तो नहीं देखा माइनक्राफ्ट के अंदर। बड़े बड़े टर्टल देखे पर ये छोटा सा बच्चा इतना सा ही होता है, मेरे को आज पता चला है गाइज। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम गांव के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं, तब तक वहाँ पे थोड़े से पिलेजर भी स्पॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला गांव मतलब ये पिलेजर आउटपोस्ट और ये दोनों गाँव दोनों एक साथ ज्वाइंट हो चुके हैं गाइज। तो यहाँ पे ये ज्वाइंट में दिक्कत ये है कि अगर मैंने उसके कैप्टन को मार भी दिया तो रेड यहाँ पे हो जाएगी और मेरे को रेड यहाँ पे नहीं करवानी है। तो मेरे को ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जब वो कैप्टन को मारूँ तो ये वो कैप्टन ये गांव से बहुत ही ज़्यादा दूर होना चाहिए ताकि यहाँ पे रेड ना हो। तो यहाँ पे मैंने अपने मतलब फुल स्पीड में इन लोग को मारना शुरू कर दिया, तो थोड़ी सी फाइट हम इन लोग के साथ में यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी फाइट करने के बाद मैं दूसरी तरफ आ चुका था और यहाँ पे एक आयरन गोलम बंधा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने ये आयरन गोलम को यहाँ से छोड़ दिया, मतलब छोड़ने ही लगा था क्योंकि ये आयरन गोलम मेरे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये मतलब ये जो विलेजर आउटपोस्ट है उसके बिल्कुल पास में। तो यहाँ पे मैंने और आयरन गोलम में मिल के यहाँ दोनों सब लोग की पिटाई की और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम दोनों मिल के यहाँ पे मैं यहाँ से एरोज बजाई जा रहा हूँ और आयरन गोलम वहाँ पे जाके सबको मार रहा है। और यहाँ पे मैं हम दोनों ने मिल के बहुत सारे विलेजर को मारा, यार बहुत ही ज़्यादा प्लेजर को मारा। तो यहाँ पे दो जोम्बी अंदर की तरफ, तो ये बच्चे यार बच्चे बहुत ही दिमाग ख़राब करते। तो उसके बाद क्या हुआ गाइस कि मैं यहाँ पे प्लेजर आउटपोस्ट के अंदर आ चुका, क्योंकि यहाँ पे प्लेजर आउटपोस्ट पूरा खाली हो चुका था। यहाँ पे जितने भी प्लेजर स्पॉन हुए थे वो सब लोग यहाँ पर मर चुके गाइस। और यहाँ पर प्लेजर के मतलब ये जो आउटपोस्ट है उसके अंदर अंधेरा होता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइट लगाने लग गया था और यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ जाने लगा था ताकि यहाँ पर प्लेजर आउटपोस्ट भी यहाँ पे लूट किया है वो मेरे को चेक करना था। तो यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ, हमारा आयरन गोलम नीचे घूम रहा है। वो यार बिल्कुल ही कचरा लूट है यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं। इतने सारे लोग यहाँ पे विलेजर आउटपोस्ट की रक्षा करते हैं पर इसकी लूट के मतलब मामले में बिल्कुल जीरो है यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता यार। क्या ही मैं यहाँ ऊपर पाया पर हमको वो कुछ काम नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारी फाइटिंग करने के बाद बहुत सारे प्लेजर को मारने के बाद यहाँ पे हमको प्लेजर का कैप्टन मिल चुका था, जिसकी हमको ज़रूरत थी वो आदमी हमको यहाँ पे मिल चुका था गाइस। तो ये मतलब ये जो कैप्टन था उसको मैं अपने पीछे भगा के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को ये प्लेजर का जो कैप्टन है उसको अपने पीछे लेकर दूर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जो कैप्टन को मारूंगा और इसको हम एरो से नहीं मार सकते गाइस, क्योंकि एरो से मारते तो हमको बेड वुमन इफेक्ट नहीं मिलता। मैंने ट्राई भी किया था एक कैप्टन, तो यहाँ पे मैंने एक सोर्ड से इसको मार दिया था। और ये जो रेड जो यहाँ पर ये गाँव में होने वाली थी वो यहाँ पर नहीं। तो चलिए गाइस चलते अपने घर पर, मैं फटाफट से चला जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं बहुत मतलब ट्रैवलिंग करने के बाद मैंने स्किप कर दिया क्योंकि ये बोरिंग हो जाता, तो मैंने यहाँ पर पूरा स्किप कर दिया और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने घर पे। तो यहाँ पे हमारे गांव के अंदर अब होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त रेड, तो गाइज आप इंजॉय कीजिए। मैं बहुत ही मतलब ज़बरदस्त रेड करवाने वाला हूँ। और यहाँ पे आपने देखा पिछली वाली वीडियो के अंदर आपने देखा कि मैंने ये अपने पूरे गांव के चारों ओर पूरी प्रोटेक्शन करके रखी हुई गाइज, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो हमारी रेड हो चुकी है स्टार्ट, आप ऊपर साइन देख रहे हैं कि रेड का साइन आ चुका है। जैसे ये लाल साइन ख़त्म होगा उसके बाद यहाँ पे हमारे गांव के अंदर रेड होने वाले गाइज, और हमारे गांव के अंदर रेड हो चुकी है गाइज। तो अब मेरे को उन लोग को ढूंढना है कि वो किस तरफ से आ रहे हो गाइज। यहाँ पर मैं बहुत ही जल्दी ये रेड ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे गाँव वाले मेरे को बहुत ही महंगा सामान बेच रहे, तो यहाँ पर हमको रेड डिफीट करने में भी बहुत ही मजा आएगा और गाइज आप सोच नहीं सकते। तो चलिए गाइज हम थोड़ा सा मार लेते हैं इन लोग को।
यहाँ पे गाइज ये बचा हुआ है हमारा लास्ट विलेजर, ये मर गया और ये हमारी हो चुकी है विक्ट्री गाइज। तो हम विलेजर ऑफ द हीरो बन चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बन चुका हूँ पूरे अपने विलेज का हीरो और ये आप देख सकते हो कि हमारे गांव वाले बहुत ही खुश हैं और यहाँ पे पटाखे जलाए जा रहे हैं, यहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही है क्योंकि यहाँ पे मैं रेड जीत चुका हूँ और मैं ये विलेज का राजा बन चुका हूँ। मतलब विक्ट्री ऑफ विलेज, यहाँ पे मैं राजा बन चुका और मैंने बहुत सारे विलेजर को मारा और आपने देखा रेड के अंदर मैंने एक बार मैं मर भी गया था गाइस। तो यहाँ पे मैं अपने मतलब रिस्पॉन पॉइंट सेट नहीं था तो मैं कहाँ पे दूर जहाँ पे मेरा मेन रिस्पॉन है वहाँ पे स्पॉन हो चुका था और वहाँ से दौड़ के यहाँ पे आया, उसके बाद अपना सामान लिया और बहुत मतलब रेड के अंदर बहुत ही मज़ा आया गाइस। आपको भी आई होप देखने में बहुत ही मज़ा आया होगा गाइस। तो ये आपको ये वाली रेड आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना और मैंने जो अपनी तैयारी की हुई थी उसकी मतलब उसके ऊपर भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि ये मतलब कितनी अच्छी मैंने तैयारी आगे करके रखी थी और मतलब क्या मेरे को करना चाहिए था। आप कमेंट जरूर करो गाइस, यार आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मेरे को मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो कमेंट करा करें गाइज। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को ये रेड में बहुत सारी लूट मिली और इतनी सारी लूट मैंने चेस्ट के अंदर रखी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे विलेजर मतलब 10 एमराल्ड या 2 एमराल्ड के अंदर एक्स बेच रहा है, 15 एमराल्ड में मतलब 15 कॉल में बेच रहा था, तो बहुत ही सस्ता हो चुका है गाइज। तो हमारी रेड करवाना मतलब हमको फ़ायदेमंद रहा है गाइस, बहुत सारा हमको सस्ता मतलब चीज़ें मिल रही, तो हम यहाँ पे ये रेड करवाने में सफल रहे तो गाइस हमारा काम बहुत ही ज़्यादा सफल रहा है गाइस। तो आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कर देना गाइस, मेरे को कमेंट करके बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँ, मतलब आप मेरे को सजेशन करें, मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार। अभी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना गाइस और आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक नई माइनक्राफ्ट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।